शिक्षक दिवस के मौके पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आयोजित इस सम्मान समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, मेयर नीमा भगत, उप महापौर विपिन बिहारी के अलावा तमाम पार्षद, शिक्षक, अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर पहुंचे श्याम जाजू के हाथों शिक्षक और शिक्षिकाओं को वर्ष 2017 का निगम सम्मान दिया गया। आपको निगम पुरस्कार नगर निगम ने श्री ब्रजेश कुमार जादौन को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। जोरदार तालियों से पूर्वी दिल्ली नगर निगम जो है श्री ब्रजेश कुमार जादौन जी शाहदरा उत्तरी क्षेत्र राष्ट्रपति है जे एन के लक्ष्मी नगर विद्यालय की। आप इनके विद्यालय जाएं, आपको खुद एहसास और महसूस हो जाएगा कि हाँ, शी डिजर्व स्टेट अवार्ड। आपको पिछले साल राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बेहद खुशी है पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग को। परमेश जी, संगीत विकास हो रहा है, ऐसे हमारे अध्यापक सुनील कुमार जी को गत वर्ष राज्य शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम उनको सम्मानित करके गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। आपने इनके अंदर भी देखी, ऐसे व्यक्तित्व के धनी, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना आपका प्रमुख उद्देश्य है। आपके कार्यों की प्रवीणता के कारण आपका विद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। आज आपको इन्हीं विशेषताओं के कारण गत वर्ष राज्य पुरस्कार से नवाजा गया और अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम आपको सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा हम अभिनंदन करेंगे। आपकी विशेष रुचि है, आपके कुशल मार्गदर्शन में विद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। आपके इन्हीं विशेष गुणों के फलस्वरूप आपको निगम के सर्वोच्च सम्मान निगम शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस कड़ी में अगला नाम मधु रानी, शिक्षिका नया भोलानाथ नगर। मैडम आप पीछे। हाँ, ये थैंक यू। श्रीमती निगम सम्मान से नवाजा जा रहा है और शिक्षा विभाग आपसे ये उम्मीद रखता है कि आप इसी तरह से श्रेष्ठ कार्यों को करते रहेंगे जो दूसरों के लिए अनुकरणीय रहेंगे। तालियों की कुछ कंजूसी हो रही है, ये शिक्षकों का सम्मान समारोह है और आपसे गुजारिश की आपकी तालियां इनका उत्साह बढ़ेंगी। अगली कड़ी में सिर्फ इन्हीं विशेष कार्यों के फलस्वरूप आज आपको निगम के श्रेष्ठ सम्मान निगम शिक्षक पुरस्कार सम्मान से नवाजा जा रहा है। इस क्रम में अगला नाम सुधा देवी, शिक्षिका पूर्वी आजाद नगर। आप उत्साही, मृदुभाषी एवं अपने कार्यों में पूर्ण समर्पित हैं। आपके कुशल मार्गदर्शन में बच्चों का विकास हो रहा है। इन्हीं विशेष गुणों के फलस्वरूप आज निगम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा हम इनका सम्मान करेंगे। सुधा देवी जी, इसकी बिना पर आपको पूर्वी दिल्ली नगर निगम ये सम्मान देते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और इस श्रृंखला में अगला नाम जिनको शिक्षक सम्मान से नवाजा जा रहा है,
आप हैं नवाचारों में दक्ष बहुमुखी प्रतिभा की धनी। आपकी प्रवीणता के कारण आपके विद्यालय के बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में हमेशा अग्रणी रहे हैं। इन्हीं खास खासियतों की वजह से आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम आपको शिक्षक सम्मान से नवाज रहा है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफलताएं अर्जित करते हैं, इन्हीं विशेष गुणों के फलस्वरूप आपको निगम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है और आशा करता है कि शिक्षा विभाग कि आपके शिक्षण कार्यों में और उत्तरोत्तर प्रगति होती रहेगी और आप दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। अगला, ममता की मूर्ति बच्चों के सर्वांगीण विकास में तत्पर है। आपके द्वारा बच्चों के साथ किए जा रहे विशेष प्रयासों के फलस्वरूप इस वर्ष आपको निगम के सर्वोच्च पुरस्कार निगम शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद प्रतियोगिताओं में भी इनके बच्चे अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं। इन्हीं विशेष गुणों के फलस्वरूप आपको निगम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। मधु सिंह शिक्षिका नई शिक्षिका हैं। आपके द्वारा किए गए विशेष प्रयासों से बच्चों में आशातीत प्रगति हो रही है। इन्हीं विशेष गुणों के कारण आपको निगम के श्रेष्ठ सम्मान निगम शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बीरू बाला तोमर विभिन्न विधियों में पारंगत कर्तव्यनिष्ठ अध्यापिकाएं हैं। आप अपनी कार्यशैली के कारण बच्चों तथा अभिभावकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। आपके मार्गदर्शन में बच्चे निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। इन्हीं विशेष उपलब्धियों के फलस्वरूप आपको निगम शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित स्थानांतरित करने में दक्ष हैं। आपके शिक्षण में जीवंतता परिलक्षित होती है। इन्हीं विशेष गुणों के कारण आपको निगम शिक्षक पुरस्कार से सुशोभित किया जा रहा है। सदन से अपील है कि जबर जोरदार तालियों के द्वारा हम इन अवार्डीज के सम्मान का सावित्री जी अपना प्रकाश बच्चों तक स्थानांतरित करने में दक्ष हैं। शालीनता सौम्यता एवं मृदुभाषिता आपका विशेष गुण है। इन्हीं विशेषताओं के फलस्वरूप आपको निगम शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तालियों में थोड़ी कंजूसी हो रही है। विनम्र अध्यापिका हैं। आपके कुशल प्रशिक्षण से बच्चे उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। इन्हीं अनूठी विशेषताओं के कारण आपको निगम पुरस्कार से अलंकृत किया जा रहा है। कार्यों एवं अनुभव से साड़ोगे। बच्चों की विशेष और निरंतर प्रगति हो रही है। इन्हीं विशेष क्षमताओं के कारण आज आपको निगम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और अब अगला नाम, इससे पहले मैं अगला नाम लूं, मैं चाहूंगा कि कम से कम 30 सेकंड तक आप लोग लगातार तालियां। सुशील कुमार जी एक बहुत ही आदर्श शिक्षक हैं। आपके सराहनीय कार्य इनकी विद्यालय की जो प्रगति है उसका जामिन है। वो हर वक्त विद्यालय के इन कामों में लगे रहते हैं। इन्हीं विशेषताओं को मद्देनजर रखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम आपको शिक्षक सम्मान अनुशासन प्रिय और सहयोगी प्रवृत्ति की अध्यापिका। विद्यालय में जितने भी कार्य आप करवाती हैं उसका ध्येय सिर्फ एक होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए आपको ये सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान के तौर पर आप देख सकते हैं कि शॉल है, मोमेंटो है और 7000 रुपीज की राशि जो है वो निगम की तरफ से आपको दी जाती है। बहुत कुछ नहीं है लेकिन इससे ज्यादा जो है गुणों में पड़ती है तो हमारा खून जो है वो लहरिया लेने लगता है, नाचने लगता है। इसके साथ साथ बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं श्री कृष्णदास जी। आपके चेहरे से भी लग रहा होगा कि आप बहुत ही सरल व्यक्तित्व हैं और बच्चों को भी ऐसे ही सरल व्यक्तित्व का निर्माण निगम शिक्षक सम्मान के लिए। और इस श्रृंखला में अगला नाम फर्स्ट शाहदरा उत्तरी क्षेत्र से आप बहुत ही सुशील और सौम्य स्वभाव की धनी है।
आपके द्वारा कराए गए कार्य बच्चों की प्रतिभा को निखारते हैं, आपकी इन्हीं क्वालिटीज इन्हीं विशेषताओं के फलस्वरूप आपको निगम पुरस्कार से सम्मानित। पाली में जोरदार तालियां। सुशील, अनुशासन प्रिय और नैतिकता से ओतप्रोत आपके सानिध्य में बच्चे निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। आपके विशेष प्रयासों से विद्यालय की कीर्ति बढ़ी है। इसी कर्तव्य भावना को मद्देनजर रखते हुए निगम आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और अगला नाम विनीता सिंह जी, शिक्षिका शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन में भी हमारे टीचर्स पीछे नहीं है। फिजिकल एक्टिविटीज एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जिससे बच्चे खेल खेल में अनुशासन को सीखते ही है और बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के साथ साथ सहयोग की भावना, एक दूसरे की मदद करने की भावना, ये सब बच्चे खेल से सीखते हैं। विनीता सिंह जी, इन्हीं कार्यों को देखते हुए निगम आपको सम्मानित कर। इस मौके पर पहुंचे श्याम जाजू ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों के कार्यों की सराहना किया, साथ ही कहा कि सरकार बेहतर शिक्षा के लिए प्रयत्नशील है। पूर्वी नगर निगम का आज शिक्षक दिवस का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ। नगर निगमों के स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर, पढ़ने वाले विद्यार्थी, इनका एक अलग वर्ग है, उनके एक अलग समस्याएं रहती है। इसके आधार पर भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नगर निगम के इनिशिएटिव से आज जिन शिक्षकों ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उनका सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर था। मोदी जी का शिक्षा क्षेत्र पर बहुत जोर रहता है। शिक्षा क्षेत्र देश की अगली जनरेशन बनाने का एक माध्यम है, इसलिए ऐसे एक अच्छे कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मुझे आज मिला। सर, इसके अलावा जो निगम की पढ़ाई है, सरकारी लेवल पर शिक्षा क्षेत्र एक प्रायोरिटी का सेक्टर माना गया है। सभी जगह में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़नी चाहिए, इसलिए सरकार भी प्रयत्नशील है। उसमें केवल कोई एक सरकार, कोई शिक्षा संस्था, केवल टीचर और केवल विद्यार्थी, ये ना होते हुए सब में सुसंवाद स्थापित कर ही शिक्षा में परिवर्तन आ सकता है। सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है। सर, आप निगम में आए हैं, निगम में बहुत सारी समस्याएं, अभी लैंडफिल यार्ड को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। निगम में यहाँ हादसा हुआ, इसके बाद जो है रोक लगा दिया गया, लेकिन जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि यहाँ नहीं बनेगा, वहाँ नहीं बनेगा। कुछ इस तरीके का डायरेक्शन आप देंगे नगर निगम को पूरी दिल्ली का? दिल्ली के तीनों निगम अस्तित्व में आकर अभी नई बॉडी काम कर रही है। ये अभी तो हनीमून पीरियड उनका चल रहा है, ये नए लोग सब अभी अपने काम चला रहे हैं। नगर निगम की अपनी समस्याएं हैं, दिल्ली सरकार से जूझकर उनको जनता के काम करने पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये नए आई हुई टीम दिल्ली की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने हिस्सा लेकर कार्यक्रमों में समा बांध दिया। निगम शिक्षक सम्मान पाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं में खुशी का ठिकाना नहीं था। सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का कहना है, इस तरह का सम्मान उन्हें प्रोत्साहित करता है, वो और भी बेहतर तरीके से शिक्षा अपने छात्र छात्राओं को दें। बेहद खुशी महसूस कर रही हूँ इस सम्मान को हाथ में लेकर, और सबसे पहले मैं अपनी विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती इंदु रावत और मेरी मदर मेरे साथ हैं, और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, और इसके अलावा जो मेरे कॉमरेड्स हैं और जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की आशीर्वाद और वेल विशेज़ का फल है कि आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। और आशा करती हूँ कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर मैं हमेशा ट्रुथफुल रहूँगी, और आगे भी जो है अपने बच्चों का और अपने विद्यालय का नाम इसी तरह रोशन करूँगी। लंबे अंतराल के बाद मुझे ये पुरस्कार से सम्मानित किया है, और मैं इस सम्मान का बड़ा आदर करता हूँ। मैंने बच्चों को शिक्षण कार्य किया है बच्चों के साथ, और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया है हमेशा, और कविता के माध्यम से कहलवाना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ आज अपने देश के लिए
कि हिंदुओं के मंदिरों में शंख बजते हैं भोर, मस्जिदों में गूंजती आवाजें हैं अजान की, गुरुद्वारे गिरजा निकालते हैं शांति राग, सारी स्वर धाराएं हमारी पहचान की, एकता अखंडता का पालक तिरंगा ध्वज, पंक्ति पंक्ति मंत्र है सुरीले राष्ट्रगान की, प्रेम के अहिंसा के सुमन खिलते हैं जहां, ऐसी रचना है मेरे भारत महान की, ऐसी रचना है मेरे भारत महान। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे उधार लेके खा रहे हैं तुम्हारे। नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे को पहचानने वाले हैं, हमारी को पहचान बनाने वाला भी है, वरना तो हम वहीं जहाँ थे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं कि हमें पहचानने वाला कोई होना भी चाहिए। मैं उनको थैंक्स करती हूँ, अपने अधिकारीगण को जिन्होंने ये सिस्टम चलाया, थैंक यू वेरी मच। बीनू वाला तोमर। बस ऊपर क्या कुछ कहना चाहती हैं, सम्मान मिला है आपको? बस हमारे स्कूल के सभी जो हमारे कुलीग्स हैं और हमारी प्रिंसिपल मैम की वजह से ये सब कुछ है, उन सबका धन्यवाद कहना चाहूँगी। किस तरह का जो सम्मान मिलता है, किस तरीके से आप लोगों को प्रोत्साहन मिलता है इस तरह का सम्मान? बच्चों के लिए और अच्छा करें, बस यही कहना चाहूँगी। शिक्षक दिवस पे मुझे निगम अवार्ड मिला है, जिसके लिए मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। ये एक बहुत ही सम्माननीय अवार्ड है, जिसको मैं सोचती हूँ हर एक टीचर्स को लेना चाहिए, अपने काम के ऊपर या तवज्जो देना चाहिए। निगम में जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छे तरीके से शिक्षा दें, ताकि उसी के लिए हमें सम्मानित किया गया है। हमने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को शिक्षित किया है, धन्यवाद। मैं नर्सरी की टीचर हूँ और आज ये शिक्षक दिवस सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में है, उनके लिए दो शब्द बोलना चाहिए। मैं संदेश देना चाहती हूँ कि इन्होंने टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी सौंपी है कि बच्चा जो आता हमारे पास वो नींव है, हिंदुस्तान की नींव है, उसे विश्व में कैसे आगे लेके जाएंगे। हम नर्सरी टीचर प्लस प्राइमरी टीचर उसको इतना ऊंचाई इतनी अच्छी शिक्षा देंगे कि वो सदा अपने तिरंगे का सम्मान करेगा। और दो शब्द बोलना चाहूँगी, शिक्षक समाज के रीढ़ की हड्डी, शिक्षक समाज के रीढ़ की हड्डी, झुकने कभी नहीं देना है, हर बच्चे को देशभक्ति की शिक्षा देकर तिरंगा सदा ऊंचा रखना है, तिरंगा सदा ऊंचा रखना है। सर एक बार नाम। मेरा नाम ब्रजेश कुमार जादौन है और गत वर्ष मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम से मैं अकेला शिक्षक था जिसे ये सम्मान प्राप्त हुआ और प्रणब मुखर्जी साहब ने मुझे सम्मान प्राप्त किया था। इस बार निगम में, चूँकि निगम का ये कार्यक्रम है और मैं निगम में अध्यापक हूँ, इसलिए निगम शिक्षक पुरस्कार में आज मुझे यहाँ सम्मानित किया गया। सर इस तरह का सम्मान जो है कितना मनोबल बढ़ाता है टीचर को? जब सर ये सम्मान मिलता है तो हमारा चैलेंज और बढ़ जाता है। ये सम्मान नहीं, एक दायित्व है और हमें जब इस सम्मान को देखते हैं तो अपनी ड्यूटीज़ को और कैसे मैक्सिमम किया जाए और बच्चों को बेहतर कैसे दिया जाए, हम ऐसे कुछ ऐसे काम करें जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने, इसको ध्यान में रखते हुए हम सारे कार्य करते हैं। सर अब नेशनल जी, अब तक क्या कमियां और क्या दिखती है आपको सर प्राइमरी लेवल की शिक्षा में, खासतौर के अगर सरकारी की हम बात करें? पहले सुधार की जरूरत है। पहले में और अब में काफ़ी अंतर है। निगम में जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा है, अब उसमें जब से मॉरल वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट इंक्लूड हुआ है, तब से बच्चों के अंदर जो मानवीय मूल्य हैं उनका विकास हो रहा है और जिसकी वर्तमान में देश को बहुत आवश्यकता है। मैंने इस बीच तीन पुस्तकें भी लिखी हैं जिन्हें निगम के बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी दिल्ली, मेरा भारत और हमारी दुनिया। सर आप नगर निगम के काफ़ी एक्टिव जो हैं शिक्षक हैं और बहुत सारे कार्यक्रम को अपनी शोभा बढ़ाते हैं और आज सम्मानित हुए हैं, क्या कुछ कहना है इस मौके पर सर, शिक्षा दिवस के मौके पर एक शिक्षक की तरह? शिक्षक दिवस की सबसे पहले सभी को शुभकामनाएँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षक या गुरु जो है वो केंद्र में निवास करता है। कोई भी प्रोफेशन हो वो शिक्षक से शुरू होता है और शिक्षक पर ही ख़त्म होता है। हमारे देश में अब से नहीं प्राचीन समय से गुरु का बहुत ही मान सम्मान रहा है और वो आज भी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो शिक्षक सम्मान मिला है, ये सम्मान शिक्षकों को उनके कार्य के लिए है, वो बच्चों के साथ लगे रहते हैं। हमारा तो एक ही मूल मंत्र है कि एक ऐसी कौम को तैयार कर दें जो हमारे देश का सकारात्मक निर्माण करें, बस यही हमारा ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य है। मैम नाम बता दीजिए, कौन से स्कूल से? मेरा नाम सुनीता है, मैं गांव रिफर से शादरा मोड़ से टीचर हूँ। मैम आज आपको सम्मान मिला है, क्या कुछ कहना है?
आज बहुत ही बड़ा दिन है जो मुझे निगम अवार्ड मिला है। मैं सभी टीचर को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आगे वो भी प्रोत्साहित हों, बच्चों के लिए कुछ काम करें, ताकि उनको भी आगे भविष्य में निगम अवार्ड मिल सके जैसा मुझे मिला है। मैं सविता उरानी गुप्ता विश्वकर्मा नगर स्कूल के में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विद्यालय में अनुशासन बोलता रहता है और मैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेषकर ध्यान रखती हूँ कि कभी भी पेरेंट्स किसी समय भी मेरे पास एडमिशन के लिए आए, मैं उनको बड़े ध्यान से उनका एडमिशन के लिए कभी डिनाई नहीं होने देती। अपनी तरफ से प्रयासरत रहती हूँ कि किसी तरह भी उसको, चाहे उसके पास कोई प्रूफ भी ना हो तो भी मैं मतलब उसका दाखिला करने के लिए तैयार रहती हूँ। और बच्चों की पढ़ाई के लिए मेरा हमेशा यही ध्यान रहता है कि बच्चों का जो है तरक्की की ओर चले हमेशा। और विद्यालय में बागवानी की ओर मेरा विशेष ध्यान रहता है और औषधीय पौधे मेरे को बहुत पसंद है कि विद्यालय में मैंने औषधीय पौधे लगा रखे हैं और मैं खुद बीजारोपण करके उनको उगाती हूँ। इस मौके पर उप महापौर विपिन बिहारी, शिक्षक समिति की अध्यक्ष के अलावा कई पार्षद शिक्षकों ने शिक्षा दिवस की बधाई दी। 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर मैं सभी शिक्षकों का, अभी सभी अपने टीचरों का, ईस्ट MCD के डिप्टी मेयर के नाते सभी अपने निगम के स्कूल के टीचरों का हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो हमारा नरेंद्र मोदी जी का सपना है गरीबी मुक्त करने का, वो गरीबों के बच्चे को शिक्षित करके और उच्च शिखर पर पहुंचाने का जो हमारे निगम के टीचर करते हैं, वो सभी टीचरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वाकई में कि हाँ, अगर MCD के स्कूलों में टीचर्स को पढ़ाती हैं तो देखा जाए कितनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाई जाए। और मेरे टीचर्स के साथ शुभकामनाएं हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जो वाकई में लोग पब्लिक स्कूल छोड़ के हमारे यहाँ आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ही समाज में तरक्की कर सकता है। बच्चे के अंदर इच्छा होनी चाहिए और गुरु अच्छा होना चाहिए तो बच्चा कहीं भी तरक्की कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर में। मैं अभी हाल ही में 18 तारीख को मैंने ओथ ली है और तब से मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। मेरी ये कोशिश है कि जो कमी पिछले 1-1.5 साल की रही है उसे मैं जल्द से जल्द पूरा कर सकूं। और मेरा खुद की, जैसे मैं बाय प्रोफेशन भी टीचर रही हूं, तो मैं समझ सकती हूं एक शिक्षिका की जो एक प्रॉब्लम होती है वो क्या हो सकती है। तो मेरा प्रयास रहेगा सभी टीचर्स के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, हम लोग पूरा डिपार्टमेंट लगा रहेगा हमारा कि हम जल्दी ही उस कमी को दूर करने का प्रयास करें और शिक्षा के स्तर को 1 साल के अंदर ऊँचा ले जाएँ। रूप से कहा है दिल्ली सरकार को कि आप निगम के स्कूल को चलाएं, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, दिल्ली सरकार के स्कूल चला ले वही काफ़ी है, निगम के स्कूल चलाने के लिए निगम काफ़ी है। और हमारी जो शिक्षा समिति है वो अगर आप हमारे अगर काम को देखेंगी ना तो वहाँ पे हमारे इतना काम होता है कि जितना दिल्ली सरकार में नहीं होता। दिल्ली सरकार और काम तो कर नहीं पाई, शिक्षा क्या चला पाएगी। देखिए, आज शिक्षा दिवस है और आज शिक्षकों का सम्मान दिवस भी है जो कि हमारे बच्चों को पढ़ाकर एक अच्छा संस्कारित नागरिक बनाते हैं, तो आज उनका सम्मान दिवस है शिक्षकों का। सर, क्या लगता है कि निगम जो है शिक्षा व्यवस्था सही से सुधार पा रही है, क्या कुछ कमियां हैं जिसको सुधार की जरूरत है? देखिए, निगम के पास दिल्ली के अंदर प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी है। पाँचवीं तक के स्कूलों को हम देखते हैं और अगर आप निगम और बाकी स्कूलों को देखेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्कूल की बिल्डिंग या जो स्तर हमें बच्चों को देना चाहिए हम उसमें खरा उतरते हैं। उसके अलावा टीचर जो है, शिक्षक है, उनका स्तर भी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि हम पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। सर, शिक्षक दिवस के अवसर पर आप बच्चों और शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम शिक्षकों को और बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे हमारे स्कूल के अंदर आते हैं और गरीब परिवारों से आते हैं और उनको बड़ी उम्मीदों से लेके आते हैं कि हमारा बच्चा जो आगे जाके कुछ बनेगा और बड़ा इंसान बनेगा,
तो आज जो ये टीचर को अवार्ड मिला है टीचर्स को, मैं उनके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ कि बच्चों के भविष्य की, पूरी परिवार की और उनके सभी की चिंता को करते हुए उन्हें आगे शिक्षा में सही स्थान पर ले जाकर उनको एक बड़ा इंसान बनाने के लिए अपनी ईमानदारी से काम करें, ये मेरा उनके लिए पर्सनली वो है। शिक्षक दिवस के इस मौके पर हम रिचुअल के तौर पर इस शिक्षक दिवस को मनाते हैं। शिक्षक का सम्मान भारतीय परंपरा में कम से कम सदियों से होता आ रहा है, करोड़ों करोड़ों वर्षों से ये संस्कृति जीवित है, तो शिक्षक के दम पे ही है। मैं मानता हूँ देश के प्रधानमंत्री का आह्वान, जिससे कि देश को हम विश्वगुरु के उस स्तर पर ले जा सके जिससे वो प्रदलित हो गया, नीचे आ गया, शिक्षक थोड़ा सा अगर प्रयास करेगा तो समाज का जो मध्यम वर्ग अगर हमारा साथ दे तो हम देश को उसी स्तर पर दोबारा पहुंचाने की शक्ति रखते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि निगम का शिक्षक अपनी पूरी ताकत के साथ इन बच्चों के स्तर को उठाने में लगा हुआ है और आने वाले 10 वर्ष में, 5 वर्ष में हम देश में ऐसे परिणाम परिलक्षित करेंगे कि देश मानेगा कि हाँ शिक्षक वाकई में ही भारतीय परंपरा का एक अग्नि स्तंभ है। निगम के टीचर हैं, क्या कुछ कमियां अभी आपको लगती है या कुछ और चीज की जरूरत लगती है आपको? देखिए, कमियां तो आर्थिक रूप में आती हैं। पिछले 5 वर्षों में जब से निगम को 3 भागों में बांटा गया, तीनों निगम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और किसी भी काम को करने के लिए आज आर्थिक पक्ष मजबूत होना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा आर्थिक पक्ष दिल्ली सरकार के माध्यम से यदि ठीक ठाक हो जाए तो निगम का शिक्षक अपने उन गोल्स को, उन टारगेट्स को पूरा करने में कहीं कोताही नहीं करेगा। कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन। देखिए, दिल्ली नगर निगम में ऐसे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं जहाँ के माँ बाप शायद वो चीज़ ध्यान नहीं दे पाते, उतना ध्यान नहीं दे पाते जो कि बच्चों को देना चाहिए, और वो ध्यान, वो केयर स्कूलों में आके हमारे अध्यापक करते हैं उन बच्चों का। मैं इसके लिए आज इस शिक्षक दिवस के मौके पर अपने समस्त शिक्षक साथियों को बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि इसी तरह से वो हमारे जो बेचारे बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं जिनके पास शायद ठीक से रहने की भी जगह नहीं है, उनको अच्छे से केयर करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको संस्कार देते हैं और भविष्य में जीवन की चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। मैं उनके लिए उनको आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। नवाचारों में दक्ष, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, आपकी प्रवीणता के कारण आपके विद्यालय के बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में हमेशा अग्रणी रहे हैं। इन्हीं खास खासियतों की वजह से आज पूरी दिल्ली नगर निगम